हॉस्टल में बालिका ने की आत्महत्या। बालिका को गंभीर हालत में जिला मुख्यालय पर स्कूल संचालकों द्वारा स्थानीय पुलिस व परिजनों को बिना सूचना के तहड हॉस्पिटल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान बालिका ने तोड़ा दम। हॉस्पिटल द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई थी मरने की सूचना। सूचना पर नदबई पुलिस भी पहुंची जिला चिकित्सालय। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत थी 17 वर्षीय मृत बालिका। बालिका के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधक कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। मृत बालिका का कल सुबह मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा पोस्टमार्टम। पूर्व में भी विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक मासूम खो चुका है अपनी आंखें। मृतका है धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा निवासी अंकिता पुत्री घमंडी लाल मीणा। मामला है भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में संचालित कला विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ। कहाँ पढ़ती थी, क्या हुआ है? ये सर, ये नदबई हॉस्टल में पढ़ती रहती थी, वहीं पर रहती थी। 6-7 साल से रह रही है। हाँ, और अभी 12th क्लास में थी। तो हमको तो अभी ऐसा कोई, मतलब 24 तारीख को बात हुई है, ऐसा कुछ उसने बताया नहीं है कि हमारे कोई दिक्कत है। हम लोगों को उसने एक फॉर्म भेजा था वो गांव के लड़के को कि इस पे साइन करा के ले आना, वो BSTC वाला। तो ऐसी कोई दिक्कत हमको बताई नहीं थी। अब अचानक क्या हुआ है तो ये व्यवस्थापक ही बता सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं है हॉस्टल वाले कि क्या हुआ है। लेकिन हमारे पास में बच्ची ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि मतलब हमें कोई दिक्कत है या कोई है। 25 लास्ट संडे के संडे कराती हैं, ऐसे बीच में कभी नहीं कराती हैं जो वार्डन है जो वहाँ की। अब सूचना क्या मिली और कैसे मिली? अब हमको सूचना ये मिली थी कि तबीयत का बच्ची ख़राब है, आप तुरंत ही यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में भरतपुर आ जाइए। हम तुरंत ही, हमारे यहाँ प्रोग्राम था घर पे, मेरी छोटी बहन की वो गोद भराई थी, तो हम लोग तुरंत ही फिर निकल के आए। हम लोग और बड़े सब वहीं रह गए हैं, तो मैं छोटा उसका भाई हूँ, उसके चाचा लगता हूँ अंकिता का। और ये तो व्यवस्था पर ही बताएं क्या होगा। तो लेकिन ऐसी कोई उसने ऐसी कोई दिक्कत होती तो हमको बताया नहीं है कि अचानक कैसे हो गया उसको, तबीयत एकदम कैसे हो गई उसकी ख़राब, नहीं बताया उसने हमें। तो ये तो व्यवस्था पर ही बता सकता है क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई है। ये तो स्कूल की जिम्मेदारी है उसकी क्या है। आपको सूचना कब मिली? मिली थी कि एक अंकिता मीणा नाम की लड़की जो कलावती कला विद्या मंदिर नदबई में पढ़ती थी सीनियर हायर सेकेंडरी, उसकी डेड बॉडी RBM हॉस्पिटल में आई है और जो मोर्चरी में रखवा दी है। इतला पर मैं और मेरा SI यहाँ RBM हॉस्पिटल में आए। हमको मालूम चला कि उसकी बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है, तो हमने उसके पिताजी के और चाचा के नंबर जानना चाहा, तो उसके चाचा के नंबर हमें मिले और हमने उसके चाचा को सूचित किया, जो अभी हमारे पास आया है। हमने उसको सूचना कर दी है और बता दिया है, FIR के लिए भी उसको निवेदन कर दिया है। जैसे भी वो FIR देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कल सुबह, अब तो ना वक्त हो चुका है, कल सुबह अव्वल वक्त पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिर से क्या जानकारी में आया कि सुसाइड में हैंगिंग है या पॉइजन है? अभी हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। हमने वो घटनास्थल सुरक्षित थाने से टीम भेज के करवा दिया है और इस बात का पता तो कल ही चल पाएगा जब हम उस घटनास्थल को देखें।